विधानसभा चुनाव 2022 के को लेकर के समाजवादी पार्टी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए जागृत करने में लगी हुई है। मैनपुरी के भोगांव विधानसभा क्षेत्र के कस्बा भोगांव स्थित एक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज का जो हाल है वह किसी से छुपा नहीं है। पांच सालों में ना तो कुछ नया बनाया उन्होंने, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो स्टेडियम हो, और सपा के कामों को अपने नाम कराने के लिए नाम बदलने की उनकी योजना है, और ये मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं और नाम बदल के पीता काटने में माहिर है सरकार उनकी मुख्यमंत्री। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।